सॉरी सर, मेरी कॉलेज में जाता हूँ, मेरा 9th फ्लोर है और मैं काफ़ी लेट हूँ, मेरा लेक्चर स्टार्ट भी हो गया है, तो जल्दी से जाता हूँ मैं। कैसे आप सभी लोग, तो आज मैं जल्दी से उठाऊँ, अभी 5:30 की देर है और मैं रेडी हो चुका हूँ। तो आज हम कॉलेज जाने वाले हैं और कॉलेज से आके अपने डेली रूटीन करेंगे और थोड़ा बहुत काम है तो वो करेंगे। यहाँ पे मेरे कॉलेज पे पहुँच गया हूँ और एज़ यूजुअल आई एम लेट, सो अभी जल्दी से मैं जाता हूँ। मेरी बिल्डिंग ये है, चेंज हो चुकी है, पहले बी ब्लॉक था, बाद में ए ब्लॉक था, अब ई ब्लॉक है। तो मैं जल्दी से मेरी कॉलेज में जाता हूँ, मेरा 9th फ्लोर है और मैं काफ़ी लेट हूँ, मेरा लेक्चर स्टार्ट भी हो गया है, तो जल्दी से जाता हूँ मैं और आता हूँ कॉलेज अटेंड करके, मिलता हूँ, एक लेक्चर अटेंड करके बाद में मिलता हूँ। चलो तो मैं आपको मेरा कॉलेज दिखाता हूँ कि कैसा है स्कूल। जस्ट हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है और अभी मैं डायरेक्ट जाऊंगा यहाँ से पार्किंग में, पार्किंग से हमारा जो व्हीकल है वो लेके निकलेंगे हम घर को। तो अभी जस्ट ख़त्म हुआ, 2 लेक्चर होते हैं हर रोज़, तो 2 लेक्चर ख़त्म करके लिफ्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम है 9th फ्लोर पे, आर वेटिंग फॉर लिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत 3-4 लिफ्ट है लेकिन लिफ्ट थोड़ी धीरे है, वेट कर रहा है। अभी 3rd फ्लोर पर पहुँची है, बाद में 4th फ्लोर, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को सर ने रोक दिया है कि भाई थोड़ा काम है उन लोगों का, तो वो लोग यहाँ पे हैं, उन्हें मिला था आपको, लेकिन वो अभी काम पर है, तो बाद में मिलाऊँगा कभी, कल या बाद में। अभी लिफ्ट आते ही हम नीचे जाते हैं। ये हमारा पार्किंग है और वहाँ पे आपको किला दिख रहा होगा, वो वहाँ पे किला है जो हमारा है, वहाँ पे हम पार्क करते थे अपना व्हीकल। और यहाँ पे मुझे बहुत ढूंढने में प्रॉब्लम होती है मेरा व्हीकल, पर मैं जल्दी से आ जाता हूँ, ये लोग बाद में आते हैं। हमारी कॉलेज 9:30 को ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेन में ही रखा होता है मेरा एक्टिवा, तो यहाँ से मुझे इजीली मिल जाता है। देखो ये रहा, मिल गया। हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी कॉलेज होती है 7:30 से 9:30 की, तो 2 घंटे ही होती है और सबसे फर्स्ट बैच हमारी होती है कॉलेज में 7:30 बजे, तो 7:30 अभी सब लोग आते हैं 9:30 बजे को, क्योंकि 10 से उनका लेक्चर स्टार्ट होता है जो बेसिक डिग्री करते हैं उन लोगों का। और हमारी
डिग्री हमारी बेस्ट स्टार्ट होती है 7:30 बजे और ख़त्म हो जाती है कॉलेज 9:30 बजे, और बाकी लोगों की वो स्टार्ट होती है 9 बजे या तो 10 बजे, और वो फुल टाइम करते हैं यहाँ पे कॉलेज 5 बजे तक। हम भी फुल टाइम करते हैं, लेकिन हमारा जो पैटर्न है वो 2 घंटे का ही है, हर रोज़ 2 घंटे आने का और कर देने का, कॉलेज ख़त्म करके घर जाने का, मतलब घर नहीं जाने का। यहाँ पे ऐसा है कि हमें वर्क करने जाना होता है, तो ये सब करके हम 2 घंटे कॉलेज करके यहाँ से हम जाते हैं वर्क करने को, और काम ख़त्म करके बाद में शाम को हम जाते हैं कॉलेज। यस, फ्रेंड को पता नहीं था कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो एक दोस्त था मेरा, तो उसने पूछा कि व्लॉग बना रहा है, मेरे को हाँ भाई, देखे मुझे भी भेजना, मैं को पक्का। तो अभी 90 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 89 है, तो एक ने तो मुझे बोला कि मैं कर दूंगा, तो यस 90 सब्सक्राइबर्स गाइस, अब 10 ही बचे हैं 100 सब्सक्राइबर्स में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जल्दी से सब्सक्राइब करो गाइस। सो या गाइस, तो भाई लोग अभी मैं निकलता हूँ, मैं घर को जाता हूँ, बाद में काम पे जाना है, तो थोड़ा नाश्ता वास्ता करके करते हैं, चलो मिलते हैं। अभी मैं चालू रास्ते पे तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा व्लॉग, और मोटो व्लॉगिंग का सोचा है, तो बाद में कुछ करेंगे मोटो व्लॉगिंग का भी, लेकिन अभी तो मैं क्या, बहुत ही गर्मी हो रही है और बहुत ही धूप है, तो मैं जल्दी से मेरा सब कुछ पहन लेता हूँ और घर पे मिलता हूँ, ठीक है गाइस? तो चलो घर पे मिलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ घर पे, नाश्ता कर लिया मैंने, थोड़ा बहुत काम है, 2-3 वायर लेने जाना है, सच्ची वायर को मैं जाऊँगा, कन्वर्टर टाइप सी टू 3.5 mm जैक का होता है, वो इस फोन के साथ आया था, वो कन्वर्टर तो गुम हो गया। मैं एक ऑक्स केबल लेना है, एक टाइप सी टू HDMI एंड USB ऐसा जो कन्वर्टर आता है वो भी लेना है। यहाँ पे हमारा 100 मीटर दूर ही हमारे एक बाजार है, और मुझे यहाँ पे शायद से ये दूधी मिल चुकी, ये भाई शाक भाजी वाले ही थे, सब्जी वाले ही थे, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि कितने में आते थे तुम दूधी, लौकी या तो दूधी जो भी आप बोलते हो, वो मुझे दूधी मिल गई है। चालू रास्ते में ही मैं जब बोल रहा था कि गाइस मैं दूधी लेने जा रहा हूँ, तभी वो मुझे सामने ही दिख गया, वो दूधी वाला, तब मुझे दूधी चालू रास्ते में ही मिल गई, और मैं चालू रास्ते में उससे भाव करवा दिया, वो 40 की किलो बोल रहा था, और मैंने बोला भाई मैं 30 ही दूंगा, तुझे देनी हो तो दे, वरना मैं जा ही रहा हूँ दूधी लेने। तो बोलता है कि नहीं नहीं भाई रुको रुको, ये लो 30 रुपये में ले लेता हूँ, हमें दूधी मिल चुकी है 30 रुपये में गाइस, 30 रुपये में 3 दूधी मिली है, 1 किलो के, 1 किलो की दूधी। अभी हम जा रहे हैं सचिवालय, और आपको बहुत हवा का आवाज आ रहा होगा शायद से, तो हम सचिवालय जाके मिलते हैं। हम सिग्नल पे खड़े हैं, रेड सिग्नल है, 30 सेकेंड्स बाकी है, तो मैं आपसे बातें करता हूँ। तो गाइस ये मीना बाजार सचिवालय आया 4-5 के आगे सेक्टर 11 में, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा फोन एसेसरीज मिलता है, मीना बाजार में सीधा फोन एसेसरीज मिलता है, जा दे बराबर बराबर, तो वहाँ पे फोन एसेसरीज मिलता है गाइस, और टफन मिलता है, कवर मिलते हैं, और बहुत सारा छोटा छोटा जो भी एसेसरीज होता है वो सब वहाँ पे मिल जाता है। हम वहाँ पे जाके आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। चलो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरे घर पे, सब कुछ लेके ट्राइपॉड में मेरा फोन लगा दिया है। भी मैं गया था सचिवालय, मैं दिखा सकूँ ऐसा कुछ था नहीं आपके लिए, और प्लस जो वो कन्वर्ट सी टाइप टू 3.5 mm जैक वाला था, उसका पोपट है थोड़ा, तो टाइप सी टू 3.5 mm जैक 80 रुपये का था, लेकिन वो मेरे फ़ोन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हम उन्होंने बोला कि भाई जो सपोर्ट करेगा वो तो आएगा 200-300 रुपये का, तो आई थिंक हमें ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, पर बहुत ही महंगा है ये सब यार, इतनी इतनी चीज़ें, लेकिन बहुत महंगी है,
बाद में एक टाइप सी टू HDMI लेना है, एक है मेरे पास, ये रहा, ये टाइप सी और ये HDMI का प्लग, लेकिन इसमें USB नहीं है, तो USB वाला लेना है क्योंकि उससे ही साउंड आएगा। तो वो दो तीन चीज़ें जो लेनी है, देखेंगे लूँगा या नहीं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि इतना महंगा कौन लेता भाई। सो या अभी तो मैं खा रहा हूँ वाटरमेलन, तो गैस उसमें ऐसा है, मैं आज मंगा ही दूंगा शायद से, तो जल्दी से आना शुरू हो जाए, मतलब प्रोसेस शुरू हो जाए। और बाकी बोलो आप, आपको कॉलेज के ब्लॉग चाहिए तो बताना, करेंगे हम कॉलेज के ब्लॉग्स भी। बाकी आप बताओ क्या चल रहा है कमेंट्स में। अभी जस्ट मैंने अपना गेमिंग चैनल का शूट ख़त्म किया, और इस चैनल पे मैं माइनक्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट करूँगा, आज से मैंने स्टार्ट की है। और इस माइनक्राफ्ट की सीरीज़ मैं आगे लेके जाऊँगा, उसमें बहुत सारे एपिसोड्स होंगे, और बाद में हम बहुत कुछ सोचा है, वो मैंने उस वीडियो में बोला है। थोड़ा मुझे भूख लगी है, मैं नवरात्रि कर रहा हूँ तो मैं फास्ट रखता हूँ, तो मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ और वो है लंच करता हूँ मैं दोपहर को, बाद में मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता और फ्रूट्स खाता हूँ सिर्फ। अभी मेरी एक लस्सी आ रही है तो वो लस्सी पीऊँगा, सो जाऊँगा। सो कल सुबह मैं, अभी तो मैं सो जाऊँगा लस्सी पी के फ्रूट खा के, और मिलता हूँ मैं आपको कल सुबह को। वैसे तो मेरा शेड्यूल कुछ खास होता नहीं है, लेकिन आज मैं कॉलेज जाने वाला था तो मैंने बोला कि चलो व्लॉग किया जाए, सो मैंने व्लॉग बना दिया। मैं मोटो व्लॉगिंग भी सोच रहा हूँ कि मैं मोटो व्लॉगिंग भी करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अभी तो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ मोटो व्लॉगिंग का। अभी कोई इतना इंस्टेंट प्लान नहीं है, अगर आप 500 सब्सक्राइबर्स करवा दो तो मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, अभी तो 100 भी नहीं हुए हैं। तो यार गाइस प्लीज़ 100 का तो कुछ करो, मतलब 100 तो पहुँचाओ भाई को, सबको शेयर कर दो और भाई को 100 सब्सक्राइबर्स तो पहुँचा दो यार, इतना तो कर दो, सबको पहुँचाओ और बोलो कि भाई सब्सक्राइब कर दे, 100 सब्सक्राइबर्स करवा दे, कुछ भी करके ऐसा सब कुछ सब्सक्राइब करो और 100 सब्सक्राइबर पहुंचा दो। या गाइस मिलते हैं फिर किसी से धमाकेदार ब्लॉग में, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो ब्लॉग को, वीडियो को शेयर कर दो वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और सब्सक्राइब करो 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचा दो जल्दी से। सो गाइस 100 सब्सक्राइब, तो गाइस 100 सब्सक्राइब, अरे कहना क्या चाहते हो, तो गाइस 100 सब्सक्राइबर्स तो पहुंचा ही दो, लेट्स गो, और सबको भेज दो ये वीडियो। मिलते हैं तो भाई लोग, मिलते हैं फिर कैसे से धमाकेदार व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय, साइनिंग ऑफ, बाय इंडिया, साइनिंग ऑफ मंकी।